मुल्क के मारूफ फनकारों ने मरहूम उमर शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया है। उमर मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें बकरा किस्तों का मेरा टुल्ला कहूँ या जानू जर्मन कहूँ। मैं कहता था उमर भाई आप जो कहो, बोले जानू बुलाते हुए कहूँगा और तुझे भगाना होगा कहूँगा चल टुल्ले। ये उमर की ऐसी बातें हैं, लेकिन वक्त कम है, सिर्फ इतना कहूँगा कि उसकी मगफरत की दुआ करें और अल्लाह ताला उसे करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। प्यार था वो, हम भुलाए नहीं भूलेगा, अब उनकी बातें रह गई हैं लेकिन बस यादें रह गई हैं। ऐसा लगता है कि वो बस अभी फिर कहीं से आएंगे और फ़ोन करेंगे कि इरफान अली तुम घर पे आ जाओ। अभी लास्ट ट्रिप जो है उनके साथ हमने किया अमेरिका का, वो उनका लास्ट ट्रिप ही था और उसमें हम 3 महीने उनके साथ रहे, तो उन्होंने बिल्कुल हम दोनों को अपने बच्चों की तरह रखा और बच्चों की तरह प्यार करना सिखाना सबको, क्योंकि वो हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, बल्कि एक कॉमेडी का बाप, यानी वो हम हमारे उस्ताद हमारे बाप की तरह से थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग यतीम हो गए हों, कॉमेडी से महरूम हो गया पाकिस्तान। और इतना बड़ा आर्काइव छोड़ा है उन्होंने कि जिसको मतलब 2 सदियों तक जिससे लोग, जब तक मैं समझता हूँ उर्दू बोली और समझी जाएगी, उमर भाई किंग ऑफ कॉमेडी ही रहेगी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के मौजूद हैं पाकिस्तान में और ऑब्जर्वेशन कॉमेडी जो है वो इनकी दरियाफ्त है। उमर शरीफ साहब अपनी तर्ज के वाहिद फनकार, पूरे इंडो पाक में एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशनास कराया, अल्लाह ताला बस उनको गरीक रहमत करे। उनका कोई लेवल बदल नहीं है, उनका कोई खला पूरा नहीं कर सकता, उनका कोई जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सदियों बाद पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनको इसी मुकाम इसी इज्जत इसी मोहब्बत के साथ नवाजे। उमर भाई जो है ना वो बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान का, खजाना पाकिस्तान के बेटे, कराची के बेटे, आंसू चुराए हैं और मुस्कुराहटें बिखेरी हैं उन्होंने, अल्लाह ताला इसी सिलसिले को जारी वसाई रखे। दुआओं के साथ अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और बस सबसे ही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला और आप आवाम से भी दुआ करूंगा तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत बड़ा लेजेंड पाकिस्तान से रुख्सत हो गया, दुनिया से रुख्सत हो गया है। देखने वालों से उनके फैन से यही कहूँगा कि जितना ज़िंदगी में उन्होंने आपको हंसाया है, अब आपकी बारी है, आप उनके लिए पढ़ के उनको बख्शें, रब्बे कायनात उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह था। जाना बरहक है, सब ने जाना है, लेकिन इस तरह अचानक छोड़ के जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को, हम सब को, उनके फैंस, जितने मीडिया के लोग, सबको सब्र जमील अता फरमाए। उमर शरीफ एक अजीम शख्सियत थे, अजीम इंसान थे और उन्होंने मेहनत करके दुनिया में अपना नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया।